हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावड़ी और यहां पर हम शुरू करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप आखिर तक इस कोर्स में जुड़े रहेंगे। आज हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इस पर हम जो भी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं वो हमें पूरे कोर्स के दौरान हेल्प करेंगे। तो आज हम चीजों को बेसिक्स को थोड़े अच्छे से जानेंगे और उसी के बाद उन बेसिक्स पे उसी फाउंडेशन के ऊपर पूरी बिल्डिंग को तैयार करेंगे, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। भारत का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, इसे आप तीन हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। इसके बारे में तो आप पूरी नॉलेज रखते होंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इस कोर्स पे हम प्राचीन भारत के बारे में, एंशिएंट पीरियड के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, जब भी हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि इसी पर्टिकुलर टाइम पर, इसी समय में, ठीक 2 दिन पहले क्या हो रहा था, क्या घटना घट रही थी। ऑब्वियसली बात है कि 2 दिन बीत चुके हैं, जा चुके हैं, और मैं कह रही हूं कि 2 दिन पहले बीते हुए 2 दिन जो है उसमें थोड़ा सा झांक कर देखिए और पता कीजिए कि आखिर 2 दिन पहले क्या हो रहा था। तो आप यहाँ पे एविडेंसेस ढूंढने लग जाओगे। कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करेंगे, कुछ अपनी फोटो गैलरी में जाएंगे फोन में और देखेंगे कि कहीं 2 दिन पहले उन्होंने कोई फोटो क्लिक की है या नहीं। उस फोटो को देखकर उसके रेफरेंस में चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे कि 2 दिन पहले क्या हुआ। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जरा सोचिए, गौर फरमाइए और यहाँ पर सोच कर देखो कि इसी दिन 5 साल पहले क्या हुआ, तो अब आप यहाँ पर और भी ज्यादा एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश करोगे। पुरानी कुछ फोटो एल्बम्स वगैरह निकालोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, अगेन व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करोगे। यानी कि जो बीता हुआ कल है, जो पास्ट है, जो समय बीत चुका है, उसे समझने के लिए हमें यहाँ पर हमेशा कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। कोई भी घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इससे जुड़े हुए जो जवाब हैं वो हमें उन्हीं सोर्सेस को, उन्हीं एविडेंसेस को पढ़कर मिलते हैं। एविडेंसेस बहुत से टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने फोटो गैलरी में एक फोटोग्राफ देखी, ये एक प्रकार का सोर्स है, ये एक प्रकार का एविडेंस है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से कोई भी घटना कैसे हुई है वो पता की जा सकती है। ऐसे ही आप व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर रहे हो, पहले खत लिखा करते थे, खत जो है, लेटर्स जो है, उन्हें चेक कर रहे हो, वो रिटन एविडेंसेस हैं, लिखित प्रमाण हैं। तो यहाँ जब भी हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, पास्ट इवेंट्स, बीते हुए कल को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसी को यहाँ पर अतीत कहा गया है, उसी को हिस्ट्री कहा गया है, ठीक है? और ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, बीता हुआ कल है, ये हमें आज के प्रेजेंट टाइम को समझने में सहायता देता है। इसीलिए हमें हमारे पास्ट को स्टडी करना पड़ता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि आप यहाँ पर एक ऑफिसर के रूप में जगह जगह अपॉइंट किए जाएंगे, आप यहाँ पर डाइवर्स कल्चर जो भारत का है उससे आने वाले लोगों के साथ डील करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत इतना डाइवर्स बना कैसे, ये एक अपने आप में सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमारे अतीत, हमारी हिस्ट्री में छुपा हुआ है। तो आज को बेहतर समझने के लिए, आज के भारत के लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए, हमें आज के इन भारतीयों का इतिहास जानना, यानी हिस्ट्री, अतीत जो है उसे समझना जरूरी है। इसीलिए हिस्ट्री आपके सिलेबस में भी दिया गया है, काफी डिटेल में नहीं, आपको ऑब्वियसली पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन एक अच्छी बेसिक जानकारी इतिहास, हिस्ट्री, पास्ट के बारे में होनी चाहिए। तो हम
आज के प्रेजेंट भारत का जो जन्म हुआ है, जिस प्रकार से इसकी कहानी रही है, जिस प्रकार की ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, उसी को हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। एंड अगेन मैं रिपीट करूंगी, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें हमेशा सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। आज के समय में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हिस्ट्री में उसको स्टडी करने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? कौन थे वो पहले लोग जिन्होंने यहाँ पर अपने पास्ट को स्टडी करने की कोशिश की? अगर मैं हिस्ट्री वर्ड की ही बात करूं तो ये जो शब्द आप देख रहे हो इतिहास, ये अपने आप में हिस्टोरिया वर्ड से आता है, और हिस्टोरिया शब्द का मतलब इंक्वायरी है, इंक्वायर करना, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत पुराने एविडेंसेस हैं, कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की है, जैसे हीरोडोटस। हीरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को पढ़ा, पास्ट के इवेंट्स को एक के बाद एक यहाँ पे क्रोनोलॉजी में सेट किया और उसके बाद पास्ट को स्टडी किया। ऐसे ही भारत में हमारे पास कल्हण है, 12th century से जुड़े हुए। टेंशन मत लीजिए, अभी आपको 12th century कॉमन बिफोर कॉमन एरा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस लेक्चर के एंड तक आते आते आपको वो भी समझ आ जाएगा। बस आप इतना तो याद रख सकते हैं ना कि कल्हण हमारे अतीत में भारत में ही एक व्यक्ति थे जो कि हिस्ट्री पढ़ने में काफी इंटरेस्ट रखते थे, और उन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी है राज तरंगिनी, राज तरंग, तरंग यानी वेव्स। एक के बाद एक जो राजा आए उनको क्रोनोलॉजी में लगाया गया, कल्हण ने ऐसा किया। तो कल्हण एक्सीडेंटली हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो ये भी नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि इस तरह से क्रोनोलॉजी में रूलर्स को लगाने में वो काफी इंटरेस्टेड रहते थे, इस वजह से उन्होंने इस किताब को लिखा, और वो एक प्रकार से भारत के फर्स्ट हिस्टोरियन के रूप में भी माने जाते हैं। तो हमारे पास हीरोडोटस और कल्हण जैसे उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पास्ट को स्टडी किया है। इसी तरह से प्रेजेंट टाइम में भी आपके पास हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इतिहास को यानी कि अतीत जो है उसको पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है सोर्सेस। आइए जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है या कहीं भी इस दुनिया में किसी भी जगह की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए किस टाइप के सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं ब्रॉडली यहाँ पे सोर्सेस की बात करूं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। फर्स्ट वन इज लिटररी सोर्स और दूसरा जो प्रकार है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अभी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे ऑब्वियसली आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे इन चीजों को समझा जाए। इसे थोड़ा सा आसान बनाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये तो समझ लिया है कि अगर हमें आज से बीते हुए कल को पढ़ना है तो उससे जुड़े हुए सोर्सेस की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप, जैसा कि मैंने आपको कहा, लिटररी एविडेंस। वही दूसरा आर्कियोलॉजिकल है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, लिटररी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या अंतर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और कोई भी हिस्टोरियन, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी सोर्स के मिलने पर उसको कैसे स्टडी करता है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपने एक्सकेवेट करना शुरू किया। एक्सकेवेट मतलब खोदना, खुदाई करना शुरू किया। आपने यहाँ पे स्क्रैपर लाया और उसके बाद खुदाई करना शुरू किया, मिट्टी जो है उसको हटाना शुरू किया। अब मिट्टी को हटाकर खोदते हुए आपको यहाँ पर इस तरह का कोई
मटेरियल रिमेन मिल रहा है, इस तरह का कोई अवशेष मिल रहा है, ठीक है, या फिर इस प्रकार का कोई अवशेष मिल रहा है। अवशेष मतलब बची हुई चीजें, है ना। तो ये जैसे ही आपको मिला, क्योंकि ये एक्सकेवेट करने पर पाया गया है, खुदाई करने पर पाया गया है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, एक प्रकार का मटेरियल रिमेन है, इसीलिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको स्टडी करना शुरू करती हूँ। मैं आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसी ही किसी मिलने वाली चीज से इसे कंपेयर करूंगी। जब मैंने इसे देखा तो ये पेन की तरह लग रहा है। आज के समय में जिस प्रकार के पेन पाए जाते हैं उसकी तरह ये लग रहा है। अब मैं इंटरप्रेट करूंगी, मैं अंदाजा लगाना शुरू करूंगी कि ये क्या रहा होगा। तो मेरा सबसे पहला अंदाजा प्रेजेंट से कंपेयर करके ये लगा कि ये किसी प्रकार का पेन ही रहा होगा। इसका इस्तेमाल पास्ट में पेन के रूप में किया जाता होगा, क्योंकि इसका शेप जो है वो आज के प्रेजेंट टाइम के पेन जैसा है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पत्थर आपको मिला कुछ इस तरीके का, और उसी के साथ साथ एक और पत्थर आपको ऐसा मिलता है। अब ये दोनों पत्थर एक्सकेवेट करने पर मिल रहे हैं, खुदाई करने पर मिल रहे हैं, तो आप क्या देखते हो, आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो पत्थर हैं आज के प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा ही हमें मिलता है क्या? हाँ, हमें आज के समय में मोर्टर और पेस्टल मिलता है। आपने घर में चटनी बनते हुए अगर देखी है तो इस प्रकार से एक प्रकार का एक तरीके का सिलवट्टा होता है, उसके ऊपर ऐसे करके एक पत्थर है, आपने हर्ब्स डाले और उसके बाद आपने इस तरीके से उसे पीसना शुरू किया, ग्राइंड करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होने वाली चीजों से इसको कंपेयर किया तो ये भी कुछ ऐसा ही लगा कि ये एक प्रकार का बेस है पत्थर का, और ठीक इसके ऊपर ये पत्थर इस प्रकार से रखा जाता है, और उसके बाद कोई भी हर्ब बीच में रखकर उसको पेस्ट बनाया जाता है। तो यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं? एक्सकेवेट करने पर पाए जाने वाले मटेरियल रिमेन्स हैंगे, ऑब्जेक्ट्स हैंगे, जो अपनी कहानी खुद नहीं बताते कि मैं क्या हूँ, बल्कि हमें प्रेजेंट से चीजों को कंपेयर करके अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये जो चीज पाई गई है ये क्या रही होगी, पास्ट में इसका क्या इस्तेमाल होता होगा। हम हमेशा जब भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स मटेरियल रिमेन्स को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि हम हमेशा प्रेजेंट से कंपेयर करते हुए पास्ट को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी प्रेजेंट में हमें नजर आ रहा है वो आया तो पास्ट से ही है। जो अब अतीत बन चुका है वो कभी प्रेजेंट था, है ना। तो यानी कि जो भी पास्ट में जा चुका है वो एक तरीके से उसी ने तो यहाँ पर प्रेजेंट को बनाया है, इवॉल्व किया है। इसी वजह से हम प्रेजेंट में जो भी चीज देखते हैं उससे एक्सकेवेट करने पर पाई जाने वाली चीजों को कंपेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अंदाजे लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्या रहा होगा। ये है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब आप कमेंट सेक्शन में एक काम करेंगे, फटाफट ये जो चैट बॉक्स है इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। किस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? पत्थर हो सकते हैं, इवन एक मंदिर, मॉन्यूमेंट, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का ही उदाहरण है क्योंकि वो मटेरियल रिमेन है। कॉइन्स, कॉइन्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर खुदाई करने पर आपको एक डब्बा मिला जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, कॉइन्स भी मटेरियल रिमेन है, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में काउंट होंगे। तो फिर ये लिटररी एविडेंस क्या है? आखिर लिखित प्रमाण क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रिटन एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस जो रिटन फॉर्म में मौजूद है। मान लीजिए 200 साल पहले या 2000 साल पहले किसी ने कोई किताब लिखी, वो किताब अगर अभी हमारे पास प्रेजेंट मौजूद है तो हमारे लिए लिटरेरी एविडेंस होगी, यानी कि रिटन एविडेंस होगी। तो लिटरेरी एविडेंस में रिटन रिकॉर्ड्स आते हैं, लिखित प्रमाण। इवन
मान लीजिए ये एक्सकेवेट करने पर हमें मिला है। अब क्योंकि ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, खुदाई करने पर पाया गया है, तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। लेकिन अगर इसी मटेरियल के ऊपर कुछ लिखा भी है, कुछ रिटन भी है, तो ये लिटररी एविडेंस में भी काउंट होता है। यानी कोई भी सोर्स जो है वो ब्रॉडली यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल या लिटररी हो सकता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स होते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल तो हैं, बट इसके साथ साथ लिटररी में भी काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ खुरेद के उसके ऊपर लिखा गया है। ऐसे ही लिटररी एविडेंसेस जो है उसमें आपके ओरल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। ओरल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए कि आप एक रिसर्च कर रहे हो, आप यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उस समय में किस तरीके की घटनाएं घटी थी, आप उसे स्टडी करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो रिटन एविडेंसेस ढूंढ सकते हो। आप यहाँ पे 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उस समय के न्यूज़पेपर्स ढूंढ सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर की कुछ तलाश कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल स्टडी कर सकते हैं, वहां से पता कर सकते हैं कि पार्टीशन वाले दिन क्या क्या घटित हुआ था। पर इसी के साथ साथ उस पार्टीशन को झेलने वाले, उस पार्टीशन के रिजल्ट को फेस करने वाले जो लोग आज जिंदा हैं, उनकी मुंह जुबानी जो बातें होंगी वो भी लिटररी एविडेंस में काउंट होंगी, क्योंकि ओरल रिकॉर्ड्स जो है वो भी लिटरल एविडेंस में आते हैं। यानी कोई अगर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय में यहाँ मौजूद था और वो आज भी जिंदा है, तो उसकी बातें, वो जो अपने जुबान से बातें बताएगा, कहानियां बताएगा, उसने जो चीजें एक्सपीरियंस की, वो भी एक प्रकार का सोर्स है जो हमें पास्ट को स्टडी करने में हेल्प कर रहा है, पर वो ओरल सोर्स है, और ओरल सोर्सेज जो है उन्हें हम लिटररी एविडेंसेस में काउंट करते हैं। तो ब्रॉडली आप सोर्सेस को लिटररी और आर्कियोलॉजिकल दो प्रकार से बांट सकते हैं। यहाँ पर हम लिटररी सोर्सेस भी देख सकते हैं और आर्कियोलॉजिकल भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एंशंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमारे पास किस प्रकार के लिटररी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम प्राचीन भारत यानी एंशंट हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, इंडिया की एंशंट हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो लिटररी सोर्सेज में आपको बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर मिलेगा, क्योंकि हमारा प्राचीन भारत वो समय रहा है जब बहुत सारी फिलोसफीज डेवलप हुए। इंडिया में बुद्धिस्ट फिलोसफी का जन्म हुआ, जैनिज्म आप आते हुए देखेंगे, इसी के साथ साथ हिंदू फिलोसफी जो है वो भी ग्रेजुअली डेवलप हुई है, राइट? तो ये जो फिलोसफीज थी, इन फिलोसफीज से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, वो हमें रिलीजियस कल्चर जो है, सोसाइटी जो है, उसके बारे में जानकारी देता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर भी है, यानी ऐसा लिटरेचर, ऐसा कॉन्टेंट जो किसी रिलीजन से कनेक्शन नहीं रखता। जैसे एंशंट पीरियड में बहुत सारे प्ले राइटर्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं। इसी तरीके से पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई भी बहुत सी किताबें लिखी गई, जैसे कि चाणक्य की अर्थशास्त्र की किताब। ऐसे ही आपको कालिदास जो है उनकी भी बुक्स मिलेंगी, उनकी भी कविताएं, स्टोरीज मिलेंगी, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सब क्या है, ये सेक्युलर लिटरेचर है। ऐसे ही आपको साइंस, मैथमेटिक्स की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में काफी किताबें मिलेंगी, जैसे कि सुश्रुत, सुश्रुत की किताब सुश्रुत संहिता मेडिसिन की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसी तरह से मैथमेटिक्स की फील्ड में आपको आर्यभट्टीय। तो यू कैन सी कि साइंस हो, मेडिसिन हो, ये मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, इस तरह का बहुत सारा सेक्युलर लिटरेचर भी हमारे पास एंशंट पीरियड से जुड़ा हुआ मौजूद है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे उसको समझ सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स लिटररी सोर्सेज की कैटेगरी में जो आता है वो है फॉरनर्स की अकाउंट बुक्स। हमारे भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आए हैं अलग अलग जगहों से, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स विजिट करने आए और कुछ यहाँ पर ट्रेड के लिए आए। तो जो भी फॉरनर्स आए उन्होंने जैसा भी भारत देखा उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी बुक्स में। तो इन फॉरेन ट्रैवलर्स की अकाउंट बुक्स रिटन एविडेंस है, लिटररी सोर्स में काउंट होती है।
हमारे यहाँ पे फाहियान आए हैं, हेनजांग आए हैं, इसी तरह से बहुत सारे रोमन ग्रीक ट्रेडर्स भी भारत आए हैं जो कि काफी अच्छा सोर्स छोड़कर गए। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कैटेगरी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसमें आपको इंस्क्रिप्शंस, मेन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, आर्किटेक्चर और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स नजर आएंगे। कॉइन्स तो समझ आते हैं, यहाँ पर आप कॉइन देख सकते हो। ये एक प्रकार का मटेरियल रिमेन है, मोर्टर पेस्टल जैसा मैंने पीछे बनाया था। चटनी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा और ये आज के समय के जो सिलबट्टा है, मोर्टल पेस्टल है, उससे काफी मैच करता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस आते हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट्स आती है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा पत्थर का पिलर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हैं पाम लीव्स, पत्ते, जिसके ऊपर अगेन कुछ लिखा हुआ है। यानी आप ये जो पहली पिक्चर देख रहे हैं, ये एक इंस्क्रिप्शन है, और जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की मेनुस्क्रिप्ट है। अंतर, डिफरेंस ये है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हार्ड सरफेस पर होते हैं, क्योंकि उसमें लेटर्स को इंस्क्राइब करना पड़ता है, खुरेद कर लिखना पड़ता है, ऐसे स्क्रैच करके लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सरफेस हार्ड है। जैसे पत्थर के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, मेटल के कॉइन्स, राइट, इस तरह से इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं हार्ड सरफेस पर। मेनुस्क्रिप्ट जो है वो भी रिटन एविडेंस है, लेकिन जिस टाइप के सरफेस पर वो लिखी जा रही है वो सॉफ्ट है, जैसे कि पत्ते या फिर पार्चमेंट शीट्स। अब अगर मैं एक पिलर या पत्थर की बात करूं तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, बट अलोंग विद दैट वो एक लिटरेरी सोर्स भी है। ऐसे ही किताब है, मान लीजिए एक्सकेवेट करने पर किसी डब्बे के अंदर ये बुक पाई गई, इसके कुछ पन्ने जो हैं वो फटे हुए थे, सड़े हुए थे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो क्योंकि इसमें कुछ रिटन में है, इसीलिए ये रिटन एविडेंस तो है ही, बट अलोंग विद दैट एक्सकेवेट करने पर एज अ मटेरियल रिमेन ये चीज पाई गई है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी काउंट हो। तो यू कैन सी इंस्क्रिप्शंस, यू कैन सी मेनुस्क्रिप्ट्स। ओके, इंस्क्राइब करना, खुरेदना, कोई भी हार्ड सरफेस है, जैसे आपने स्कूल टाइम में अपनी जो स्कूल की बेंच होती है, क्लास की बेंच होती है, उसके ऊपर डिवाइडर, यू डिवाइडर उठा के उसके ऊपर कभी ना कभी अपना नाम जो है वो स्क्रैच किया होगा, यानी आपने इंस्क्राइब किया है, एनग्रेव किया है अपना नाम। ठीक है, तो हार्ड सरफेस पर इंस्क्रिप्शंस हैं और सॉफ्ट सरफेस पर मेनुस्क्रिप्ट्स। मेनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हैंड है, यानी कि हाथ से लिखा गया, राइट। तो ऐसे करके सोर्सेस जो हैं वो हमें पास्ट को जानने में मदद करते हैं। याद कीजिए, जैसे फोटोज हैं, इमेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, पुराने लेटर्स हैं, उसी प्रकार से ये भी सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, बीते हुए कल को जानने में मदद करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या चीज जानी, सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे पास्ट को स्टडी करना जरूरी है। पास्ट को स्टडी करने के लिए यहाँ पर दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ऐसा किया भी है, हीरोडोटस और कलहन। उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे पास्ट को स्टडी करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, एंड रिसोर्सेस के ब्रॉडली दो टाइप हो सकते हैं, एक लिटरेरी सोर्स और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल रिमेन, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पाया गया हो जो कि वैसे तो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कुछ खुरेद कर, इंस्क्राइब, एनग्रेव करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिटरेरी में भी काउंट होगा। नाउ, अब आपने देखा बार बार हम यहाँ पे हिस्टोरियन, हेरोडोटस को हम हिस्टोरियन कह रहे थे, कलहन को हम एक्सीडेंटल हिस्टोरियन कह रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो हिस्टोरियन का काम कर रहे हैं। तो ये हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, आखिर ये होते कौन कौन होते हैं, ये इनका क्या काम होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन विद एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक जगह है और वहां पर एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है, और वहां पर बहुत सी चीजें मिली। वहां पर ये एक आर्टिफैक्ट मिला, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर मिला है, इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर मिला,
एक्सटिवेट करने पर। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेगा, वो पता लगाएगा कि ये जो बॉटल है आखिर ये कितनी पुरानी है, इसका हाइट कितना है, ये किस शेप की है, ये किस मेटल से बनी हुई है, राइट। ये सारा का सारा डेटा जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट प्रिपेयर करता है, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स पुराने ऑब्जेक्ट्स को एक्सकेवेट करता है और उसके बाद उनका डेट, वो कितने पुराने हैं, उनका शेप, साइज, हाइट, उनकी लोकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है वो। लेकिन हिस्टोरियन क्या करता है, हिस्टोरियन इज समवन जो उस डेटा की मदद से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। हिस्टोरियन ही है जो इस डेटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक स्टोरी डेवलप करता है, एक प्रॉपर टाइमलाइन डेवलप करता है। आर्कियोलॉजिस्ट आपको ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर बॉटल है ये कितनी पुरानी है, ये कौन से रीजन में पाई जा रही है, ये मेटल कौन सा है, इसकी हाइट कितनी है, इसका शेप क्या है। लेकिन हिस्टोरियन इस पर्टिकुलर मेटल को उस समय के लोगों से कनेक्ट करेगा कि उस टाइम के लोग इस टाइप के मेटल का यूज कर रहे थे, उन्होंने पानी को स्टोर करने के लिए इस प्रकार का कंटेनर बना लिया था, ऐसे करके जो डेटा मौजूद है उससे एक प्रॉपर स्टोरी, एक प्रॉपर इतिहास में घटने वाली घटनाओं को टाइमलाइन में फ्रेम करने का काम हिस्टोरियन करता है। वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आर्टिफैक्ट से जुड़ी हुई जानकारी प्रोवाइड की है, उन सभी को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन बनाता है और वही इंफॉर्मेशन हमारी किताबों में मौजूद है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन ये जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ऐसे ही बुक्स के नाम लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र पढ़ लो, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र, या फिर एंशंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, शायद आप नहीं जानते लेकिन ये सभी नाम जो हम लेते हैं ये एक्चुअल में हिस्टोरियंस हैं। आर एस शर्मा एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन, जिन्होंने प्राचीन भारत को पढ़ा, उनके पास जो भी डेटा अवेलेबल था उसकी मदद से उन्होंने यहाँ पर चीजों को पिरोया, एक के बाद एक इवेंट्स को सेट किया और उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है आर एस शर्मा सर की, वो आप देखते हो। उसके बाद आते हैं आपके सतीश चंद्र जिन्होंने मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री लिखी है इंडिया की, वो भी हिस्टोरियन थे, और ऐसे ही बिपिन चंद्र भी एक हिस्टोरियन ही थे। तो आप देखते हैं कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। लेकिन जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब भी हम पास्ट को स्टडी करते हैं, या फिर आप भी जब इस सिलेबस को बाहर से देखते हो, तो आपको ये जो सिलेबस है ये अधूरा सा लगता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, जब आप इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं, इसका बहुत ही गलत इमेज जो है वो हमें मार्केट में क्रिएट होता हुआ नजर आता है। जब भी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट रूलर्स। जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की होगी और जब आपको पता चला कि अरे सिलेबस में तो हिस्ट्री भी दिया हुआ है, तब आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि अब हमें सारे राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किसने किसके साथ युद्ध लड़ा, किसने किसको मारा, कब मारा, वो सारी डेट्स रटनी पड़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स के बारे में नहीं, हिस्ट्री आज के समय में जितने भी अलग अलग तरह के लोग देखते हैं आप, उन सबकी हिस्ट्री है। आप किसी भी एक को पकड़ लो, कारपेंटर्स, आप पूरा एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो कारपेंटर्स के इतिहास, कारपेंट्री की शुरुआत कब हुई, कैसे कैसे डिजाइन इवॉल्व हुए, वो सब कुछ है। विमेन, आप विमेन टॉपिक ले लीजिए, पूरी हिस्ट्री आप लिख सकते हैं, महिलाओं की कंडीशन एंशियंट पीरियड में कैसे थी, फिर वो कैसे चेंज हुई मेडिवल पीरियड में, फिर मॉडर्न एरा में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। तो यानी हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, हर एक ग्रुप, सेक्शन, कम्युनिटी, जो भी आप यहाँ पर अपने चारों ओर देख रहे हैं, उन सभी का इतिहास है, उन सभी की हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट की है, हिस्ट्री हमारी इकोनॉमी की है, आज के समय का जो कल्चर हम देखते हैं उसका भी इतिहास है। कोई भी टॉपिक उठा लो, मॉन्यूमेंट्स, आप एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन तीनों पीरियड में
मॉन्यूमेंट्स किस तरह से बने, इमारतें कैसे बनी, उनका शेप साइज डिजाइन कैसे बदला, आप पूरी हिस्ट्री उसकी स्टडी कर सकते हो। इवन आज हम इस इंटरफेस से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की भी अपनी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट रूलर्स, और अतीत एक थोड़ी है, अतीत तो कई है। अगर सिर्फ राजाओं का अतीत होता तो सिर्फ और सिर्फ एक अतीत होता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत से अतीत हैं, हमारे अतीत। हमारे अतीत का मतलब, इस हमारे अतीत में हम यहाँ पे कारपेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इमारतों का इतिहास भी पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, समाज के अलग अलग सेक्शन, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में। तो इतिहास, हिस्ट्री जो है वो अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आपको हमेशा लगता होगा कि इसमें चीजें ज्यादातर स्टैटिक है, हाँ, लेकिन नई नई डिस्कवरीज के साथ, नए नए एक्सकेवेशंस के साथ, नई नई खोज के साथ इतिहास के नए नए पन्ने खुलते जाते हैं। इसीलिए हमारा एक अतीत नहीं, हमारे कई अतीत हैं, और हर कोई इस अतीत को अलग अलग नजरों से देखता है, उनकी सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। ये मैंने बड़ी भारी भरकम लाइन बोल दी, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आपको समझ ना आया हो। देखो, इमेजिन करो, आप यहाँ पे कोई चीज देख रहे हो अपने चारों तरफ, आपने चश्मा पहना है, उसकी लेंस जो है वो रेड कलर की है, तो आपको यहाँ पर अपने चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है वो लाल रंग का दिखेगा। लेकिन अगर आप लेंस का कलर चेंज कर देते हो तो सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। येलो लेंस लगा लिया आपने, येलो लेंस लगा के सब कुछ देख लो, तो हर तरफ आपको पूरा का पूरा माहौल पीला दिखेगा। तो पॉइंट इस, इतिहास को देखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और अलग अलग लोगों ने यहाँ पर इतिहास को अलग अलग तरह से देखा। जैसे हमारे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत हुई कब है, एक्चुअल मैनर में, उस समय जब भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, कोलोनियल पीरियड में, जब भारत पर अंग्रेज रूल किया करते थे, तो अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास था उसे पढ़ना शुरू किया और उसे अपना ही रंग देना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत को अपनी लेंस से, अपने पर्सपेक्टिव से देखा, और उन्होंने भारत को, भारत के इतिहास को, इंडिया की हिस्ट्री को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जैसे हमारी हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। ब्रिटिशर्स ही हमसे सुपीरियर हैं, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके बेस पर हम अपने बारे में प्राउड महसूस कर सकें। उन्होंने हमारी ही हिस्ट्री को हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया मानो हमारा कोई कल्चर, हमारा कोई इतिहास था ही नहीं। हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिसपे हम गर्व महसूस कर सकें। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि हम पर रूल करना आसान हो जाए। अगर हमारे पास प्राउड होने के लिए, गर्व महसूस करने के लिए कोई उदाहरण नहीं होगा, एग्जाम्पल नहीं होगा, तो हम ब्रिटिशर्स को, व्हाइट जो है लोग, उन्हीं को सुपीरियर मानेंगे, और जब हम उनको सुपीरियर मानते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर रूल भी करने देंगे। इसीलिए हमारे इतिहास को कुछ इस तरीके से सामने पेश किया गया। इतिहास, हिस्ट्री लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये अलग अलग तरीके ही हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है, इतिहास लेखन के अलग अलग तरीके। तो सबने भारत के इतिहास को अपनी नजरों से देखा है, अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दी, और उन्होंने उसी तरह से इंडियन हिस्ट्री को पेश किया है जिससे उन्हें भारत में रूल करने में आसानी हो। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर एक अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन अप्रोच का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि उसका जो रिजल्ट है आप उसे यूटिलाइज कर सको। यूटिलिटेरियन यूटिलिटी से आता है, इस्तेमाल, ठीक
ठीक है। तो अब यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमारा तो कोई इतिहास है नहीं, हमारा तो कोई कल्चर है नहीं, यहाँ पे सब मंत्र रटते रहते हैं, इनके हिस्ट्री में, इनके पास्ट में, इनके एजुकेशन सिस्टम में, इनके कल्चर में ग्रेव एरर्स हैं, ये यहाँ पर जीवन में आगे डेवलप नहीं हो सकते। तो इन्होंने हमारे पास्ट को हमें जिस तरह से दिखाया उससे ये इस चीज को यूटिलाइज कर पा रहे थे। इट वॉज इजी फॉर देम टू रूल ऑन अस। ये कॉलोनियल अप्रोच है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने आप को सुपीरियर दर्शाते हुए नजर आता है, ये हमारे स्टाफ समाज को स्टैग्नेटेड बताते हैं, थमा हुआ, जिसको अंग्रेजों की गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है तभी ये ग्रो कर पाएगा। ये यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन भारतीय जो थे, इंडियंस जो थे, उनको तो लिखना आता ही नहीं था, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था इतिहास लेखन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी नजर आएंगे, जैसे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करने वाले हिस्टोरियंस में से एक माने जाते हैं। जर्मन स्कॉलर थे, सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट ये किताब उन्होंने लिखी है, एंड ही इज द वन जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थियोरी भी दी। अब ये क्या थियोरी है वो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ आए। इसी तरह से विंसेंट ए स्मिथ, ये भी प्रो ब्रिटिश थे, ये भी इस तरह से इतिहास लेखन कर रहे हैं, इस तरह से हिस्ट्री लिख रहे हैं कि वो किसी तरह से ब्रिटिश रूल में हेल्प करें, है ना। तो ये सब कुछ चल रहा था कॉलोनियल एरा में, ये सब कुछ चल रहा था कॉलोनियल पीरियड में। लेकिन धीरे धीरे करके भारत में बहुत से ऐसे यूरोपियंस भी आए जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को काफी अच्छा माना, हमारे ओरिएंटल कल्चर को, लर्निंग को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा माना और उसको स्टडी करना चाहा। जैसे विलियम जोन्स, जिन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत में मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इंस्क्रिप्शंस को रीड किया और इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा। पर इसी के साथ साथ बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस भी थे जो धीरे धीरे करके सामने आने लगे थे और वो भारत के इतिहास को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि इंडियंस अपने ओरिजिन को लेके प्राउड महसूस करें कि हम भारतीय हैं, और जब वो प्राउड महसूस करेंगे तभी तो वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें कॉलोनियल अप्रोच के साथ साथ भारत में इंडियन हिस्टोरियंस की नेशनलिस्ट अप्रोच भी नजर आती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आरजी भंडारकर, वी के राजवड़े, पीवी काने, राय चौधरी, डीआर भंडारकर, आरसी मजुमदार, केपी जायसवाल, एएल बाशम, डीडी कौसंबी, ये सभी यहाँ पर हिस्टोरियंस जो थे वो भारत के इतिहास के उन पहलुओं को भारत की जनता के सामने रखना चाहते थे जिनसे भारत की जनता मोटिवेट हो, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने और अंग्रेजों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ सके। ये नेशनलिस्ट अप्रोच थी। ऐसे ही समय के साथ साथ हिस्ट्री में हिस्टोरियंस के बीच अलग अलग अप्रोच आती रही, सबने इतिहास को अपनी नजरों से देखा। तो हिस्ट्री जो है वो इवन हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव के वजह से भी चेंज हो जाती है। कोई इतिहासकार किसी को किसी चीज को कैसे देखता है, कोई किसी चीज को कैसे देखता है। अब यहाँ पे कोई इसको बॉटल के रूप में देखेगा तो कोई इसे मशाल के रूप में देखेगा, उस वजह से इंटरप्रिटेशंस और कहानी जो है उसके पहलू बदल जाते हैं। इस वजह से भी हमारा नहीं, हमारे अतीत हैं, बहुत सारे इतिहास हैं, अतीत हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें यहाँ पर जो हमने पीछे डिस्कस की है। अब क्योंकि हम हमारे पास्ट को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे हमारा जो पास्ट है, अतीत है, उसको सोर्सेस के बेस पर, जिस टाइप के सोर्सेस एक पर्टिकुलर पीरियड से जुड़े हुए हमारे पास मौजूद हैं उसके बेस पर यहाँ पर हम हमारे पास्ट को तीन कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री और आखिर में आता है हिस्ट्री। याद रखिएगा ये जो मैंने पास्ट का डिवीजन किया है तीन हिस्सों में, ये सोर्सेस के बेस पर है कि किस टाइप के सोर्सेस पाए जा रहे हैं। टाइप्स के सोर्सेस मतलब समझता हूँ। हमारे पास्ट का वो समय, हमारे बीते हुए कल का वो पीरियड, वो समय
जिसमें जिस समय के लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं की थी, कोई लिपि डेवलप नहीं की थी. मतलब वो एक दूसरे से बोलते तो थे, कम्युनिकेट तो करते थे, लेकिन वो जो भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे लिखने के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी. इस पीरियड को प्री हिस्ट्री कहते हैं, जब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी मौजूद. अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, व्हाट इज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लैंग्वेज में क्या फर्क होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखती हूं, शुक्रिया, या फिर छोड़िए, आसान शब्दों को देखते हैं. मान लीजिए मैं यहां पर लिखती हूं नमस्ते, क्या आप मुझे ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है मैंने, इसकी लैंग्वेज बता सकते हो कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये? इसी को मैं कुछ ऐसे लिखूंगी. नमस्ते, आपने देखा यहाँ पे जो मैंने नमस्ते लिखा है और यहाँ पर जो मैंने नमस्ते लिखा है, ये दोनों वर्ड्स तो सेम है और ये दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द है. नमस्ते हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी इज अ लैंग्वेज. लेकिन इस लैंग्वेज के, हिंदी भाषा के वर्ड शब्द नमस्ते को लिखने के लिए मैंने कुछ सिंबल्स का यूज किया है, जैसे एन ए एम ए एस टी ई, इन अल्फाबेट्स की मदद से मैंने ये शब्द लिखा. नीचे न म स त, ये वर्णों का मैंने इस्तेमाल किया है इस वर्ड को लिखने के लिए. ये जो आप वर्ण देख रहे हो, ये जो सिंबल्स देख रहे हो, अल्फाबेट्स देख रहे हो, ये है स्क्रिप्ट. इसी को लिपि कहते हैं. आप किसी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हो. ये जो नीचे आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है देवनागरी. ये देवनागरी स्क्रिप्ट के वर्ण है क ख ग घ ण, जिनकी मदद से मैंने हिंदी भाषा का वर्ड, ये शब्द लिखा है. ऊपर जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, ए बी सी डी, ये रोमन स्क्रिप्ट है, जिसकी सहायता से मैंने हिंदी भाषा का वर्ड नमस्ते लिखा है. तो दोनों में फर्क है, वर्ड तो एक ही भाषा का है लेकिन स्क्रिप्ट अलग अलग है. अब चलिए फटाफट से मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, जहां पर भी आप दे सके. ठीक है, आपको मुझे ये जो वर्ड आप देख रहे हो इसकी पहले तो लैंग्वेज बतानी है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, और उसके बाद स्क्रिप्ट. फटाफट, बिल्कुल सही. यहाँ पे हेलो, ये जो हेलो शब्द है, हाय हेलो, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ये. लेकिन इस इंग्लिश वर्ड को मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट की मदद से भी लिखा और रोमन स्क्रिप्ट की मदद से भी. यानी स्क्रिप्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ व्हाट वी स्पीक. जो भी हम बोलते हैं उसको सिंबॉलिकली जब हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं जिन सिंबल्स की सहायता से, वो सिंबल्स का जो ग्रुप है वो एक स्क्रिप्ट कहलाता है. तो आप किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी स्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो. व्हाट्सएप में भी तो आप यहाँ पर ABCD की सहायता से हिंदी में लिख रहे होते हो, मम्मी मैं आज घर लेट आऊंगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखते हैं. तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदी लिख रहे हैं,
हिंदी भाषा लिख रहे हैं लेकिन रोमन स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। तो लैंग्वेज हिंदी इज अ लैंग्वेज, हिंदी जो है वो यहाँ पे क्या है, हिंदी जो है वो यहाँ पे भाषा है, अंग्रेजी यहाँ पे भाषा है, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट देवनागरी ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि प्री हिस्ट्री में क्या हो रहा है, इस समय के जो लोग थे वो एक दूसरे से बात तो करते होंगे, कोई लैंग्वेज रही होगी हम नहीं जानते हो तो, लेकिन जो भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसको लिखने के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट डेवलप नहीं किया, जैसे ABCD क ख ग ये इन्होंने डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इस पीरियड से जुड़ा हुआ कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता। देर इज नो रिटन एविडेंस कनेक्टेड टू दिस पीरियड। लिटरेरी एविडेंस नहीं है मतलब। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या मिलता है फिर यहाँ पे, हमारे पास मिलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो रिटन एविडेंस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को ही इंटरप्रेट करके हम इस पीरियड को पढ़ते हैं, इसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। अगर आपको प्री हिस्ट्री समझ आ गया है, अगर आपको स्क्रिप्ट और लिपि लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड फर्दर। नेक्स्ट जो पीरियड है हमारा वो है प्रोटो हिस्ट्री। ये भारत के इतिहास का, वर्ल्ड के इतिहास का मान लो, यहाँ पर हिस्ट्री का, पास्ट का, ये वो पीरियड माना जाता है जिस समय के जो लोग थे उन्होंने स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी और उन्होंने उस स्क्रिप्ट की मदद से बहुत कुछ लिखा भी है। यानी हमारे पास रिटन एविडेंस है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन्होंने जो स्क्रिप्ट यूज की है उसे हम नहीं समझ पा रहे। मतलब पास्ट में लोग आए, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट डेवलप की, उस स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन जब हम उस स्क्रिप्ट को देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इनका मतलब क्या है, इन सिंबल्स का मतलब क्या है। सो अगेन रिटन एविडेंस है बट वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये जो रिटन एविडेंस है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये अब तक हम डिकोड नहीं कर पाए, ये अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ये अनडिसाइफर्ड है। राइट? इसी के साथ साथ इसीलिए प्रोटो हिस्ट्री को भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर ही पढ़ा जाता है। फिर आपका हिस्ट्री आ जाता है, इसका मतलब ये वो समय है जब स्क्रिप्ट भी थी और स्क्रिप्ट को हम डिकोड भी कर पाए हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। यानी प्री हिस्ट्री वो समय है जब स्क्रिप्ट ही नहीं थी, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर उसको इंटरप्रेट करके हम पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट है बट हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। अगेन इसे भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर आता है हिस्ट्री, जिसमें स्क्रिप्ट भी है, हमने डिकोड भी कर ली है, उसे भी पढ़कर हम इस पीरियड को पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर भी हम यहाँ पर इस समय को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके हमने हमारी पास्ट को तीन हिस्सों में बांटा है। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे पहले टॉपिक स्टोन एज को शुरू करने वाले हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो हमें समझनी थी वो समझ आई होंगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।